हे गाइस व्हाट्स अप एवरीबॉडी, दिस इज द मंगलम ब्लॉग। कैसे हो? तो मैं हूं अभी इस वक्त टीवीएस शोरूम। मैं आपको इस वीडियो में अपाची आरटीआर 2V रेस एडिशन का जो लॉन्च हुई है नई उसका मैं फुल रिव्यू मैं आपको देने वाला हूं और फुल डिटेल देने वाला हूं। उनका तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। चलिए देर न करते हुए यहाँ के मिलाते हैं अब्दुल जी से ना। ये अब्दुल जी हैं, हेलो। और आपको मैं दिखाऊंगा अब्दुल जी के साथ मिलके इस वीडियो में कि क्या क्या इसमें फीचर्स कंपनी ने दी है, नया नया क्या इसमें ऐड ऑन हुआ है। देखिए, ये कंपनी नई लॉन्च की गई गाड़ी है अभी अपाची 2V में। अभी सबसे टॉप मॉडल यही आ रही है, रेस एडिशन, ठीक है। देख सकते हैं इसका कलर का लेकर बहुत डिमांड चल रहा था, जो कि कलर इसका मैट में आ गया हमारा। ये आपका 160 cc इंजन का गाड़ी है, 159.7 की, ठीक है। और ये बहुत ही अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रहा है इसका। इसका स्पेशल हम बताते हैं, इसका सबसे खास चीज़ क्या है कि इसमें कंपनी पहले जैसे जितने अपाची जो आप देख रहे हैं वहाँ पर, जितने सब अपाची सेम है, इसमें खास क्या चीज़ है जो आप इसको परचेज कर, इसमें कंपनी आपको कलर का दिया है और सबसे खास चीज़ है इसमें स्मार्ट कनेक्ट किया गया है। प्लस इसमें जो आप रिम देख रहे हैं इसमें पूरा पेंटेड किया गया है इसमें, ठीक है, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है, खूबसूरत लुक है जो देख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको हम दिखाते हैं मीटर में, जो आप देख सकते हैं आप इस तरह का हमारा मीटर है, जब ऑन करते हैं हम, इसमें मोड का सिस्टम अर्बन स्पोर्ट मोड देख सकते हैं कुछ इस तरह का। गियर शिफ्टिंग आपका बताया, सेकंड गियर हो रहा है इस तरह करके आपका, इसमें ब्लूटूथ के साथ ही आती है। टॉप मॉडल है ये जी, टॉप मॉडल जी। और ये मेन स्टैंड हो गया, ये मेन स्टैंड हो गया आपका, साइड स्टैंड हो गया। जैसे गिरा देते हैं तो गाड़ी स्टार्ट भी नहीं जी। नहीं, सही सेंसर इसमें लगा हुआ, टीवीएस रेसिंग की यहाँ पे देख सकते हैं लोगो है यहाँ पे। आगे बताइए, यहाँ पे देखिए अपाची की लोगो है, यहाँ पे टीवीएस का लोगो। फ्यूल टैंक का कैपेसिटी 12 लीटर है, ठीक है। और ये आपका E20 पेट्रोल के साथ, अब मैं जो आप पेट्रोल इसमें डाले इसमें बेहतरीन माइलेज देता है। ये आपको माइलेज कम से कम आपको 50 से 55 निकाल के देती है ऑन हाईवे में। अब देखिए चलाने पर भी डिपेंड करता है, अगर आप बढ़िया चलाइएगा तो ये 50-55 कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो मैक्सिमम मिनिमम आपको 40-45 दे देगी जी, बाकी चलाने के ऊपर है, बाकी आप चलाने के। यहाँ पे देख सकते हैं रेसिंग 1982 रेसिंग एडिशन सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। रेड और ग्रे का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है। टैंक में स्टिकरिंग बहुत अच्छा किया गया है, E20 का यहाँ पे स्टिकरिंग किया गया है, ठीक है। RTR 160 यहाँ पे देखिए सटा हुआ है, चौड़ाई टैंक की बहुत अच्छी है। मडगार्ड लगा नहीं है इसमें, मडगार्ड लगेगा तो कुछ इसका लुक और थोड़ा सा बढ़ जाएगा ना। एक्सेसरीज का पार्ट है, वो ब्रेक मारेंगे तो कुछ इस तरह का इसका लाइट कुछ जलेगा। यहाँ पे नंबर प्लेट्स लगाने की जगह, यहाँ पे TVS के लोगो के साथ इसका इंजन देख सकते हैं, इंजन का लुक कुछ इस तरह से है। यहाँ पे इसमें किक नहीं मिलती है। RTR 160 के यहाँ पे लोगो और यहाँ पे फ्लैग का चिन्ह के साथ। आगे का DRL में दिखा देता हूँ आपको, आगे देख सकते हैं ग्लॉसी फिनिश में पूरा इसका जो है वाइजर है, क्या लुक है इसका देख सकते हैं। यहाँ पे फिर से जो है हमारे फ्लैग का चिन्ह है यहाँ पे है। और इधर देखिए स्मार्ट एक्सपोनेट लिखा हुआ है, इसका DRL कुछ ऐसा है, TVS का यहाँ पे DRL में भी लिखा हुआ है TVS। और यहाँ पे देखिए ये दोनों DRL और हेडलैम्प के साथ LED में आती है, ये टेलीस्कोपिक फॉर के साथ आती है। ये डुअल हॉर्न है, हॉर्न में आपको दिखा देता हूँ, हॉर्न का सुना दीजिए। यहाँ पे भी फिर रेड का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा लग रहा है। साइड प्रोफाइल गाड़ी का स्टिकरिंग बहुत अच्छा किया गया, मस्त ग्लॉसी ब्लैक में है ये। यहाँ पे इसका मडगार्ड में यहाँ पे देख सकते हैं ग्रे और रेड की कलर कॉम्बिनेशन कुछ खास इस तरह का दी गई है, इसकी स्टिकरिंग की गई है इसमें बहुत अच्छी खासी। और यहाँ पे देख सकते हैं मडगार्ड का लुक इस तरह का है, मैट फिनिश में ये कलर है। यहाँ पे देख सकते हैं सुपर मोटो ABS का यहाँ पे लगा हुआ है लोगो। आगे की 270mm की डिस्क ब्रेक है, यहाँ पे TVS रेसिंग का यहाँ पे लोगो आपको देखने को मिल रहा है। टायर का साइज अगर देखते हैं आप तो यहाँ पे टायर का साइज 90-90-17 का है, टायर का साइज, ये ट्यूबलेस टायर है। और ये जो फॉर्क आती है वो टेलीस्कोपिक फॉर्क में है, ये यहाँ पे मतलब इसका सस्पेंशन जो टेलीस्कोपिक में है। इसका पीछे आप देख सकते हैं, पीछे का लुक कुछ इस तरह से है, रेड कलर का यहाँ पे अलॉयज है, रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन बहुत खास लग रहा है देखने में। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं इसका साइड प्रोफाइल की तरफ, तो साइड प्रोफाइल में यहाँ पे देखिए लोगो है इसका। इसका पहले चाबी देखिए आप, चाबी कुछ ऐसा है, TVS में कोई भी छेड़खानी इसमें नहीं किया, चाबी जैसा कि तैसा है, जैसे पहले आती थी वैसा ही है सेम। अब इसको चाबी को लगाते हैं, आ जाते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ ऐसा है इसका, ब्लूटूथ के साथ ही आती है, ब्लूटूथ वाली टॉप मॉडल है अपाची। गियर शिफ्टिंग यहाँ पे देखिए न्यूट्रल गियर शिफ्टिंग के साथ है, यहाँ पे N दिखा रहा है न्यूट्रल, ब्लूटूथ का यहाँ पे लोगो यहाँ दिख रहा है, एवरेज स्पीड वगैरह सब यहाँ शो होगा। आपका अर्बन मोड में भी है, तीन मोड है, अर्बन, स्पोर्ट और रेन मोड, तीनों मोड यहाँ पे दी गई है। और यहाँ पे देखिए कि 12:15 का ये टाइम जो दिख रहा है, अभी टाइम यहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ पे ट्रिपन सब कुछ यहाँ पे शो कर रहा है, RPM वगैरह सब कुछ शो करेगा यहाँ पे, पेट्रोल का यहाँ पे नेविगेशन सब कुछ शो करेगा इसमें। न्यूट्रल का यहाँ पे है, यहाँ ABS का है और यहाँ पे चेक इंजन लाइट वाला है,
सब कुछ यहाँ पे शो कर रहा है आपका। रेन मोड, अर्बन मोड और स्पोर्ट मोड तीनों के अपने अपने पावर्स हैं। यहाँ पे किलिंग स्विच है, मोड बटन यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं आप। तीनों मोड देख सकते हैं, यहाँ मोड बटन तीनों शो कर रहा है, यहाँ से तीनों कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसका स्टार्टिंग बटन, यहाँ पासिंग लाइट हो गया, लो हाई बीम हो गया, ब्लूटूथ कंट्रोल हो गया ये, हाँ, और ये इंडिकेटर स्विच, हॉर्न का स्विच हो गया, हॉर्न का आवाज सुन सकते हैं, काफी तगड़ी आवाज है इसमें। यहाँ पे देख सकते हैं इसका टैंक, टैंक का कुछ इस तरह का लुक है। E20 आपका दिया गया है, इसमें टंकी आप देख रहे हैं, बहुत ही ग्लॉसी और बहुत ही बढ़िया फील हो रहा है इसमें। सस्पेंशन जो है MIG लिखा हुआ है, मोनोट्यूब इन्वर्टेड गैस सॉक्स इसका जो सस्पेंशन का नाम है, पैर रखने के लिए। हाँ, फुट रेट है इसका जी। गियर शिफ्टिंग का आपका यहाँ से दिया गया है, 5 गियर ट्रांसमिशन के साथ ही आती है। यहाँ पे इसका ओ रिंग के साथ ही चैन आती है। यहाँ पे फिर देख सकते हैं पीछे भी सेम TVS रेसिंग का लोगो टायर में, और यहाँ पे अलॉयज है, रेड कलर का और ब्लैक रंग का टायर है, दोनों का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा है। ट्यूबलेस टायर के साथ ही आती है। टायर का जो साइज है मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका भी टायर का साइज जो है इसमें कहीं लिखा होगा 120/70/17 इसका टायर का साइज है। मैं आपको बाकी पीछे का लुक दिखा देता हूँ। इंडिकेटर नॉर्मल हैलोजन में है दोनों, और ये जो टेल लैंप है वो LED में है, देख सकते हैं कुछ इस तरह का लुक है टेल लैंप का। पूरा मैट फिनिश में इसका जो है साइलेंसर है, यहाँ पे देख सकते हैं फिर इसी तरह का MIG का लोगो। 2 mm की पीछे डिस्क ब्रेक इसकी आती है, और देखिए यहाँ पे फुटरेस्ट देख सकते हैं, यहाँ पे ब्रेकिंग ब्रेक पैनल, और यहाँ पे देखिए TVS का फिर से लोगो, इंजन का लुक कुछ इस तरह से है, TVS रेसिंग का फिर से यहाँ पे लोगो दिख रहा है। RTA 5 रेस ट्यून्ड लिखा हुआ है, मतलब रेस ट्यून्ड FI सिस्टम इसमें लगा हुआ है, कंपनी ने इसमें दिया हुआ है। और आगे देख सकते हैं इसमें इंजन का लुक लेफ्ट साइड से कुछ ऐसा लगता है देखने में। आगे जो है 270 mm की डिस्क ब्रेक है, पीछे 200 mm की डिस्क ब्रेक है, दोनों बता दिए मैंने आपको। सिंगल चैनल सुपर मोटो ABS आपको मिलेगी इसमें, मडगार्ड पे लिखा हुआ है, इसमें सुपर मोटो ABS लिखा हुआ है मडगार्ड पे। इसकी वेट की अगर बात करूं तो 138 kg की वेट है इस गाड़ी की, और सीट की बात करूं तो सीट जो है 790 mm की सीट हाइट इस पे है। नाम है अपाची RTR 162V रेस एडिशन, टॉप मॉडल में ये गाड़ी है, और ब्लूटूथ के साथ ही आती है। 16.4 HP की पावर जनरेट करती है 8750 RPM पर, और 1385 Nm की टॉर्क जनरेट करती है 7000 RPM पर। अगर स्पोर्ट मोड में आप चलाना चाहते हैं तो 1385 Nm की टॉर्क जनरेट करेगी। अर्बन एंड रन मोड पर चलाइएगा आप इसको तो 12.7 Nm की टॉर्क आपको मिलेगी, 13.32 HP की पावर इसमें मिलती है। अब ये सारा लुक आप देख सकते हैं बाइक का, चारों ओर से मैंने आपको लुक दिखा दिया, काफी खास लगती है देखने में ये, देख सकते हैं। अब इसकी ऑन रोड प्राइस की अगर बात करूं तो इस जगह पे इसकी ऑन रोड प्राइस है 158108 रुपया, और एक्स शोरूम प्राइस इसकी है 131858 रुपया, इसकी एक्स शोरूम प्राइस है, मतलब 131858 रुपीज एक्स शोरूम प्राइस, और ऑन रोड प्राइस 158108 रुपया। शोरूम के एड्रेस की बात करूं तो ये शोरूम का नाम है अदनान TVS, जो कि इटखोरी एरिया में पड़ती है, इटखोरी चतरा। अगर आप यहां पे आके लेना चाहते हो तो यहां पे आके ले सकते हो, बाकी आप अपने एरिया में भी ले सकते हो, प्राइस का थोड़ा बहुत फर्क होगा आपकी सिटी के अकॉर्डिंग। अब इस वीडियो को यहीं पे करते हैं, एंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना, नीचे कहीं पॉप अप आ रहा होगा। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।